नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। अलीगढ़ जिले के अकराबाद थाना क्षेत्र के कस्बा पिलखना गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक इमाम के दाढ़ी नहीं कटवाने पर पत्नी उसे मायके छोड़कर चली गई। पीड़ित इमाम का कहना है, पत्नी ने उसके खिलाफ 3 तलाक व दहेज उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। दरअसल आपको बता दें, अकराबाद थाना क्षेत्र के पिलखना निवासी जलालुद्दीन एक मस्जिद में इमाम है। 6 जून 2020 को उसका निकाह छर्रा थाना क्षेत्र के सतनापुर गांव निवासी इमामुद्दीन की पुत्री बीना से हुआ था। निकाह के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला, उसके बाद दोनों में अनुबंध शुरू हो गई। जलालुद्दीन का आरोप है कि उसकी बीवी दाढ़ी कट। क्या नाम आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है सर। किस तरह की शिकायत लेकर आए हैं आप और क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या सर ये है कि मेरी शादी सतनापुर से हुई बीना से सन 2020 6 जून में, तो उसमें क्या कहना है, वो मेरी दाढ़ी को लेकर उसे ही कहती है कि दाढ़ी कटवा। सर मैं एक इमाम हूँ, मैं धार्मिक स्थल से, लेकिन मैं दाढ़ी को नहीं कटवा सकता। उनने कहा या तो दाढ़ी कटवाएगा, दाढ़ी नहीं कटवाएगा तुझे फर्जी मुकदमा में मैं दावा करूँगी दहेज एक्ट में, और तेरे भाइयों पर 354 वगैरह ये सब लगवा रखे हैं, फिर फर्जी मुकदमा मुझ पर लगवाया है। मैं उसके भाइयों से शिकायत करता हूँ, भाई मेरी शादी हुई थी, अब भी दाढ़ी थी, अब तुम देखने के लिए आए, अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि साले जान से ख़त्म करता हूँ तुझे अगर कहीं मिलेगा। एक बार मुझे घेर लिया गया, सतरापुर में गया था तो मुझे घेर लिया गया कुछ दिनों पहले, तो ये घर पर भी नहीं रहती है, इस वजह से दाढ़ी ये 10-5 दिन घर रहकर अपनी चली जाती है, और इस तरीके दाढ़ी कटवाने कहती है, लेकिन मैं दाढ़ी नहीं कटवा सकता, और मुझे बार बार मारने की धमकी देते हैं। अगर मेरे हक में, मैं इसलिए यहाँ 2-3 दिन से भटक रहा हूँ कि मुझे कप्तान साहब नहीं मिले हैं, और क्या कहें, अगर मुकदमा सही है तो हमें जेल भेजा जाए, और मुकदमा अगर हमारी इंक्वायरी सही तरीके से की जाए, क्योंकि हमारे वहाँ से सही सलामत ये शादी के नाम पर आइएगा 7 तारीख और 11 महीना में सन 21 में क्या कहें, कौड़िया में शादी है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, मेरे यहाँ से अच्छी खासी ही आई है, और इसमें जाकर वहाँ पर 20 तारीख। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।